हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज इस वीडियो में बात करूंगा बीटेक के बाद आप नॉन टेक जॉब्स में जा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, वो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की बात करूंगा। देखो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जब आप इंजीनियरिंग करके जाते हो तो आपको टेक जॉब्स तो काफ़ी मिल जाती हैं, टेक्निकल से रिलेटेड, सारी मोस्टली टेक्निकल से रिलेटेड ही होती हैं। लेकिन कई सारी ऐसी नॉन टेक जॉब्स होती हैं जो आप बीटेक करने के बाद आपको इजीली मिल सकती हैं, तो उनके बारे में मैं बात करूंगा और आप क्या क्या कर सकते हो बीटेक के बाद, वो भी डिस्कस करूंगा नॉन टेक जॉब्स में। देखो, कई सारी चीज़ें हैं जो आप बीटेक के बाद इजीली मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आप डिफेंस में कई सारी ऐसी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, एयरफोर्स को हटा दें तो आर्मी और नेवी के लिए होती हैं, इंडियन आर्मी और नेवी के लिए, UES, TGC और आपका SSC नेवी टेक ऑफिसर, काफ़ी सारी एंट्रीज जो आपको डायरेक्ट ले लेती हैं, SSP के लिए बुलाती हैं बस, वो डायरेक्ट, आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, आपको डायरेक्ट SSP के लिए बुलाया जाता है, तो वो आपको बीटेक के बाद होती हैं। वैसे आप उन्हें नॉन टेक जॉब्स कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपको वहाँ टेक से रिलेटेड ही काम देती हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड गई तो नॉन टेक नहीं, लेकिन आपकी जो टेक्निकल फील्ड, आपके प्लेसमेंट वगैरह इन सब चीज़ों से अलग है, तो इसलिए मैंने उसे इसमें रखा है। उसके बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स MBA कर सकते हैं, MBA करते भी हैं, तो MBA एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आप बीटेक करने के बाद, क्योंकि उसके बाद आपकी और भी अच्छी जॉब लग सकती है। आप FMS से कर सकते, उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना होता, काफ़ी ईजी एग्ज़ाम होता है, कैट का इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आप उसके बाद IIM से कर सकते हो, IIM तो बेस्ट है, या फिर IIT से भी कर सकते हो, या फिर FMS से, NIT से, कहीं से भी आप MBA कर सकते हो, और MBA के बाद काफ़ी अच्छी जॉब आपकी लग जाती है। चलो, इसको मैं अलग रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का है, मैं थोड़ी सी गवर्नमेंट की बात करता हूँ। तो गवर्नमेंट सेक्टर मैंने आपको बता दिया, डिफेंस में आप जा सकते हो डायरेक्टली, आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, बैंक में आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी बना सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा प्राइवेट सही है बिज़नेस। आप UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप SSC CGL की प्रिपरेशन तो कर ही सकते हो, और आप PSUs में जा सकते हो बीटेक के बाद, ये बहुत बड़ा आपका एडवांटेज होता है, आप PSUs में जा सकते हो। PSUs मैंने आपको लोगों को कई बार बताया है, वही सब है, आप लोगों को पता होगा, इंडिया में 500 से ज़्यादा PSUs हैं, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और ONGC ऑयल एंड नेचुरल कंपनी, काफ़ी सारी हैं, और आप कहीं भी जा सकते हो, मैंने रेलवे में, NTPC में, बीटेक वालों के लिए डायरेक्ट एंट्रीज निकलती हैं। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा जैसे कि निकली करेंगी, क्योंकि इनमें डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, बीटेक वालों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और वो इजीली इन जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं। मैं डिफेंस की बात करता हूँ, इन सबको हटा के बाद में, इन सब की बात बाद में या कभी किसी वीडियो में कर लूँगा, तो आज मैं थोड़ी डिफेंस की बात कर लूँ। डिफेंस में देखो, आप कैसे जा सकते हो, जब आप बीटेक कर लेते हो तो उसके बाद आपके लिए डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडियन आर्मी की या नेवी की वेबसाइट पर। एयरफोर्स में ऐसी डायरेक्ट एंट्री नहीं है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना होता है FCAT का या फिर CDS का। CDS तो आप लोगों को पता होगा, उसके लिए आपको FCAT का एग्ज़ाम निकालना होता है। बाकी इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी आपके लिए डायरेक्ट ऑफिसर्स की एंट्री होती है, इंडियन आर्मी में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हो, और इंडियन नेवी में भी आप ऑफिसर की रैंक से ही स्टार्ट होते हो बनने, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इंडियन नेवी में शायद कैप्टन है पहली रैंक, हाँ कैप्टन बनते हो आप सबसे स्टार्टिंग में, तो डायरेक्ट एंट्री होती है, आपको केवल SSB के लिए बुलाया जाता है, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होता ऐसे में, और वो अलग अलग ब्रांचेस के अलग सीट्स के अकॉर्डिंग निकलती है, मैकेनिकल की अलग, मेटलर्जी और आपका सिविल, सारी ब्रांचेज के लिए सेपरेट निकलती है, तो उसमें आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप कहोगे डिटेल वीडियो बनाऊँ मैं कैसे कैसे जाते हैं, क्या आपको करना होता है, वो भी मैं बना दूंगा सारी चीज़ें डिटेल में, अगर आप कमेंट करोगे तो। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, जैसा फ्रेंड में शेयर करो, ऐसी और वीडियो चाहिए जिसमें ओपनली और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ आप लोगों को सारी चीज़ें, तो कमेंट करके बताना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।